बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने हैं हमने अपना लेक्चर नंबर 20, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई इक्वेशन भी आ सकती है, आधी इक्वेशन तो सारों में आपने आधी चीज़ें तो सेम लिखनी है, वो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक डायग्राम तक वही स्टेटमेंट जो कल लिखी थी, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम इट गेंस या इट ऑब्टेन फाइनल वेलोसिटी vf, इट कवर सम डिस्टेंस s, एक्सेलरेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय a। इक्वेशन ऑफ मोशन है थर्ड, 2as इज इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi स्केयर। पहली इक्वेशन थी vf इज इक्वल टू vi प्लस at, दूसरी इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi स्केयर, और थर्ड और लास्ट इक्वेशन है सेकंड, s इज इक्वल टू vit हाफ at स्क्वायर। तो ये डायग्राम सेम, इसको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वही डायग्राम है, वही लेबलिंग है, हर चीज़ वही है कि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हमने a से रिप्रेजेंट किया है, और ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी o से लेकर a तक है, और o से लेकर या b से लेकर d तक जो है ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो कल आपने जो पढ़ा था, आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था कुछ इस तरह से, एक आपने कंसीडर की थी ट्राइंगल और एक कंसीडर किया था रेक्टेंगल। इसका अलहदा एरिया मालूम किया था, इसका अलहदा एरिया मालूम किया था। कल हमने देखा था इनने एक एरिया बनाया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब दोनों को एरिया मिलाकर उन दोनों को जमा कर लिया था, ये थे सेकेंड इक्वेशन के लिए। लेकिन हम लोग डायरेक्टली भी तो इसको एक कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक ट्रापीजियम है, यहाँ से लेकर देखें ओ ए बी डी, इसको अगर कंसीडर ना करें लाइन को तो ये पूरा एक ट्रापीजियम बन रहा है। तो उस ट्रापीजियम एरिया जो है वो डिस्टेंस कवर के बराबर है, टोटल डिस्टेंस एस बराबर है एरिया ऑफ ट्रापीजियम ओ ए बी डी। ओ ए बी डी जो है वो एरिया ऑफ ट्रापीजियम है, उसका फार्मूला 7th क्लास की बुक में लिखा हुआ है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन साइड, या यहाँ पर आप लोग तो बच्चे टोटल डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। कल हमने इक्वेशन में जो पढ़ा था वो हमने एरिया निकालने के लिए दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया था, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला था, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था, उन दोनों को जमा किया था। हम लोग डायरेक्टली भी इसको मालूम कर सकते हैं क्योंकि ये जो शेप बनती है ये बनती है एरिया ऑफ ट्रापीजियम वाली, ये एक ट्रापीजियम बन रही है। तो इसका जो फार्मूला है वो बराबर होगा टोटल डिस्टेंस के हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है, ये हैं बच्चे ओ ए बी और डी, ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन साइड, इनके दरमियान में फासला वो टी के बराबर है। तो जब मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ एरिया की जगह पर मैंने एस लिख दिया, हाफ ओ ए प्लस बी डी इज मल्टीप्लाइड बाई ओ डी, ओ ए और बी डी जो है इसकी साइड्स हो गई और ओ डी जो है वो टाइम हो गया। अब ओ ए बराबर है इक्वेशन के मुताबिक वी आई के, उसकी जगह वी आई लिख दिया, बी डी बराबर है वी एफ के तो वी एफ लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। एक ही चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है वो ये है, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद बी सी ओवर ओ डी, वो जब बी सी ओवर ओ डी से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी करेंगे ओ डी ओ डी से कैंसिल हो जाएगा। तो बी सी ओवर ओ डी फर्स्ट इक्वेशन में हमने स्लोप के लिए यूज़ किया था वो बराबर है एक्सेलरेशन के, तो उसकी जगह पर मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया वी आई प्लस वी एफ, और बी सी बराबर है पहली इक्वेशन के मुताबिक, बी सी निकालना हो तो बी डी माइनस सी डी करते हैं यानी वी एफ माइनस वी आई करते हैं। अब मैंने इसको पहले लिखे या बाद में लिखे एक ही बात होती है, तो मैंने पहले वी एफ लिख लिया बाद में वी आई फिर वी एफ माइनस वी आई। तो अगर फार्मूले के मुताबिक अगर a प्लस बी ए माइनस बी हो तो ये बराबर हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं इसको लिख दूंगा एक दफ़ा इसका स्क्वायर बीच में माइनस और अगले का स्क्वायर, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारी थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। दिस इक्वेशन शोज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन डिस्टेंस फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है।